स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज का जो टॉपिक है वो फिटनेस को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हमारे साथ पॉडकास्ट में हमेशा की तरह फिटनेस पे जुड़े हुए हैं अमनजोत सिंह। अमनजोत, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच जशी, थैंक यू वेरी मच। तो अमनजोत, जब बहुत लोग जिम आते हैं और मेजर लोगों के जिम ज्वाइन करने के जो गोल्स होते हैं वो वेट लॉस और या फैट लॉस, ये इंटरचेंजेबल जो टर्म्स हैं इनको यूज़ करके इसको इनके गोल्स रहते हैं। तो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि बहुत लोग जो आते हैं जो जिनकी ओबेसिटी लेवल हाई होता है या जिनके अंदर फैट परसेंटेज हाई है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनिशियली जब वो वर्कआउट करना शुरू करते हैं या जिन्हें आपके वर्कआउट प्लान्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कुछों को बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है, कुछों को एक्टिवेट होने में बहुत टाइम लग जाता है, कि एक डेढ़ महीने तक भी उन्हें फील होता है कि उनके अंदर कोई मेजर चेंज नहीं आया। रादर मैंने ये भी देखा है कि जैसे एक हैबिट होती है ना कि रोज़ आके वेट चेक करना कि आज कितना घटा है, आज कितना घटा है, एंड एवरीबॉडी इज होपिंग फॉर गुड न्यूज़ कि भाई आज तो भाई 100-200 ग्राम कल से कम ही होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की। ये चीज़, सॉरी कट यू शॉर्ट, ये चीज़ दिनों तक नहीं रही है, घंटों में हो गई है। मतलब एक एक सेट के बाद भी कई चेक करते हैं कि वेट कम हुआ कि नहीं। तो क्या होता है कि कुछ लोगों का वेट बढ़ जाता है, बट उनकी उनके गोल्स हैं, उनकी डाइट है जो वो बिल्कुल कैलोरी भी कंट्रोल में रहती है, बहुत वो मेहनत भी कर रहे हैं, बट फिर भी उनका वेट लॉस या तो उस रेट में नहीं होता या तो वो बढ़ जाता है वेट। तो ये क्या माजरा है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है? बहुत ही बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और बहुत कॉमन और बहुत कन्फ्यूजन वाला, बिकॉज हमारे पास क्लाइंट आते हैं सर फैट लॉस करना है। तो पहले तो मैं टर्म आपको ये थोड़ी क्लियर करता हूँ, फैट लॉस और वेट लॉस हम इसे ऐसे मान के चलते हैं दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक्चुअली में ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। बिकॉज ये आपने बहुत कॉमन देखा होगा, बिकॉज आप खुद इतने सालों से जिम आ रहे हैं मेरे पास, और कई बार हमारे पास क्लाइंट आता है वो कहता है मेरा सर बॉडी वेट कम नहीं हो रहा, फैट कम हो रहा है, वेट नीचे नहीं जा रहा लेकिन बॉडी का। फिर एक क्लाइंट, एक अलग कैटेगरी होती है, सर वेट नीचे जा रहा है पर इंचेस कम ही नहीं हो रहे। सो ये कन्फ्यूजन चलती रहती है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि मैं दर्शकों को क्लियर कर देंगे कि कन्फ्यूजन है इंच लॉस और वेट लॉस के बीच। बिल्कुल, ये फैट लॉस इज, आपको टारगेट भी हमेशा फैट लॉस ही करना चाहिए। देखिए मैं एक बहुत ही मजाकिया सी चीज़ फिर क्लाइंट को बोलता हूँ जब वो ऐसे वेट मशीन से उतर के मूसा बना के मेरे पास आते हैं कि सर शिट वेट कम नहीं हुआ, मैं उन्हें कहता हूँ आपके कपड़े खुले हो रहे हैं, बिल्कुल सर हो रहे हैं, आपकी आपको वो जो जीन नहीं आती आनी शुरू होगी, बिल्कुल सर आनी शुरू होगी। मैंने कहा सर फिर आप पतले तो हो रहे हो पर सर वेट कम नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा फिर ऐसा करो, ये वेट की जो तकड़ी है ना ये साथ में ले जाओ, सपोज मैं आपका वेट कम करा देता हूँ, मैं आपका 10 किलो कम करा देता हूँ लेकिन आप पतले नहीं दिखोगे, आप मोटे ही दिखोगे। क्या आप ये हमेशा साथ में कैरी करते, आप दिखने में पतले लगने चाहिए। मैं उन्हें ये समझाता हूँ कि आप दिखने में पतले लगने चाहिए, तकड़ी भूल जाइए, अपनी फोटोज क्लिक कीजिए जिस दिन आप पहले दिन जिम आए, जिस दिन आप 30 डेज आपको रेगुलर विद ऑन अ गुड डाइट ऑन अ गुड ट्रेनिंग प्लान आपको हो गए हैं। मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता आपका वेट कम ना हो, आप दिखने में पतले ना लगो, सॉरी आप जरूर पतले लगोगे दिखने में, बट अगर आप वेट के पीछे पड़े रहोगे कि मेरा तो 2 किलो नहीं कम हुआ जी, मेरा तो इस हफ्ते भी 2 किलो होना चाहिए था, इस हफ्ते भी, देखिए बॉडी है ये ऐसे नहीं चलती, इट्स नॉट अ मशीन कि हाँ आज 40 साल बाद आपको याद आया कि मेरा अब वेट 140 हो गया है, ठीक है तो अब मैं इसको 40 को 40 दिनों में कम कर दूं। जो चीज़ 40 दिनों में बड़ी नहीं वो चीज़ 40 दिनों में कम भी नहीं होगी, बट फिर भी बॉडी आपकी इतनी अच्छी है, इतना साथ देगी आपका कि 40 दिनों में कुछ ना कुछ तो कम कर देगी। अगर आप वाकई में 140 के हैं तो 10 किलो उड़ा सकते हो आप। अब इसका क्या कारण होता है, आप कहोगे कि सर महीने में 10 किलो कैसे उड़ेगा, वेट लॉस हो जाता है वेट लॉस, और कईयों का बढ़ जाता है बल्कि। अब जो बढ़ने का कारण होता है दैट इज़ वो कंपैरेटिवली जो कारण होता है बढ़ने का दैट इज़ वो इतने मोटे नहीं होते, दे आर कंपैरेटिवली एवरेज वेट के आसपास होते हैं वो, उनका वेट जो बढ़ने का कारण होता है वेट लिफ्टिंग। जब आप लोग वेट, हम लोग वेट उठाते हैं तो थोड़ा बहुत जो हमारा मसल है उसके अंदर जो सेल्स का साइज होता है टू कंपेंसेट दैट स्ट्रेंथ दैट रेजिस्टेंस जो हम लिफ्ट कर रहे हैं, वो सेल्स का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने की वजह से अब देखिए जो मसल है दैट इज 75% वाटर। अब बड़ा होने की वजह से आपको प्यास भी ज्यादा लगेगी और आपको एक अच्छा ट्रेनर गाइड भी जरूर करेगा कि अब आपने पानी ज्यादा पीना है, चाहे आप वेट लॉस पर हैं चाहे आप मसल गेन पर हैं, तो उस सेल में पानी ज्यादा चले जाता है, इस करके टेम्परेरीली आपकी बॉडी का इनिशियली कई बार 1 या 1.5-2 किलो ज्यादा दिखाने लग जाती है अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं आते ही। और जो एकदम से कम होता है कईयों का, जैसे 1 महीने में 10 किलो कम हो गया, दैट इज
आई वुड नॉट से इट्स अनहेल्दी, वो लोग बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, पहली बार उन्हें अपने शरीर को हिलाया होता है कभी, और जो वो इनिशियली जाता है वो होता भी सारा वाटर वेट है, दैट इज़ नॉट कि आपने फैट कम कर दिया, दैट इज़ वाटर स्टोर्ड इन योर बॉडी, एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, जिसको हम वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम भी बोलते हैं, उसकी वजह से आपको हाई बीपी के इश्यूज भी आ सकते हैं, वाटर ब्लॉटिंग, वाटर रिटेंशन, ये सब कुछ होता है, आपके हाथ पैर भी कहीं सूजने शुरू हो जाते हैं, और ये सब दिक्कतें आती हैं। और आई वुड से इन द एंड दैट कि हमें हमेशा जो टारगेट करना चाहिए वो हमें इंच लॉस टारगेट करना चाहिए, हमेशा इंच लॉस। अमन जो, तो ये जो वाटर रिटेंशन की जो इशू है, ये आपने जो टर्म इंट्रोड्यूस की है अभी आज के स्टॉक में, ये वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम सिर्फ हमारे जो सेल्स वेट लिफ्टिंग की वजह से जो बढ़ते हैं और उसके में जो बॉडी वाटर रिटेन करना शुरू करती है, बिकॉज अल्टीमेटली बॉडी है तो पानी है ना, कार्बन एंड वाटर है ना, तभी जल भी जाती है और बचत भी हो जाती है, और ब्लड है हमारे बॉडी में, ऑर्गन्स हैं, इतना कुछ है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, फूड का एक मीडियम है ब्लड और वो वाटर ही है सारा। तो कोई डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है कि वाटर रिटेंशन हो, या कोई प्रॉब्लम्स या कोई ग्लैंड या हार्मोनल इशू की वजह से भी वाटर रिटेंशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है वाटर रिटेंशन। देखिए, वाटर रिटेंशन जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं वो एक डिजीज़ ही है एक्चुअली, वो हम उसको सिनोनिमली यूज़ कर लेते हैं वाटर रिटेंशन। जैसे आप लोग क्रिएटिनिन सप्लीमेंट सुना होगा, और हम सुनते हैं तो लड़के कहते हैं कि इससे वाटर रिटेंशन होती है, लेकिन वो वाटर रिटेंशन नहीं होती, उसको हम यूज़ कर लेते हैं एज टर्म की वाटर रिटेंशन की। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि आपके सेल के अंदर पानी होल्ड होता है, एंड दैट इज़ नॉट अ डिजीज़। और जो हम वाटर रिटेंशन कहते हैं, जो ब्लॉटिंग हो रही है, वाटर रिटेंशन जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है, वो एक बीमारी है। वो बीमारी हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी हो सकती है, किसी मेडिकेशन की वजह से भी वाटर रिटेंशन करने, वो जो वाटर है वो रिटेन करना स्टार्ट कर सकती है बॉडी, और स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत वाटर रिटेन होता है कुछ पर्टिकुलर स्टेरॉइड्स की वजह से, और किडनी अगर आपकी सही फंक्शन नहीं कर रही तब भी आपको वाटर जो है बॉडी होल्ड करेगी। तो इस वाटर रिटेंशन का जो ये मैटर है, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और वेट भी नहीं ड्रॉप हो रहा, तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, अगर तो अनलेस अनटिल वो किसी हार्मोनल इशू या किसी बीमारी, किसी मेडिकेशन की वजह से नहीं है, वो सिर्फ आपकी बॉडी ने ही एक्सेस वाटर होल्ड किया हुआ है, तो वो इजीली आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे आएंगे, रेगुलर वर्कआउट करेंगे, जिम में आके पसीना बहाएंगे, कैलोरी इनटेक लो लेके जाएंगे, डिफिसिट में रहेंगे, वो चीज़ कम होनी शुरू होनी ही होनी है, उसके पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि अगर वो चीज़ कम नहीं हो रही, ठीक है, तो मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि अगर जो हमने आपको कहा है अगर वो आप फॉलो कर रहे हो तो 100% आपका वेट डाउन जाना ही जाना। तो अगर वो चीज़ नहीं होती कम, तो फिर वाकई में उनको कोई इशू है, हार्मोनल इशू है, कोई वो दवाई ऐसी खा रहे हैं, कोई इवन एंटीबायोटिक्स जो होती हैं नॉर्मल एंटीबायोटिक, वो भी बॉडी में वाटर को होल्ड करा देती हैं टेम्परेचरली, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो कोई सॉल्ट और शुगर का रोल भी है इसमें? ये एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है, ट्रेनर्स कह देते हैं सोडियम छोड़ दो, वेट कम करना है सोडियम छोड़ दो, सोडियम कैसे छोड़ दो भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे जो रहते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए, सोडियम पोटाशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सोडियम अगर आप ज़्यादा कम कर देंगे, ठीक है, बॉडी वाटर होल्ड नहीं करेगी, हाँ आपको टेम्परेली अच्छा लगेगा, बट उससे क्रैम्पिंग आएगी, आपको मसल आपका हो गया फूस हो गया, मेरा तो मसल पानी नहीं पी रही, बॉडी वाटर होल्ड नहीं कर रही, एसेंशियल वाटर जितना बॉडी को रन करने के लिए अंदर चाहिए वो रखेगी, ठीक है। तो सोडियम का जो है बहुत एक रोल होता है, हाँ उसको ज़्यादा नहीं लेना, बट हाँ एक नॉर्मल डाइट में सोडियम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इवन पोटाशियम, जो हमें शायद पता भी नहीं होगा कि पोटाशियम भी बॉडी में कुछ करता है, बहुत ज़रूरी होता है पोटाशियम, बनाना में पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं, और ना ट्रेनर्स ही ज़्यादा गाइड करते हैं कि अगर आपने किसी को, अब मैं पर्सनली अगर किसी का डाइट चार्ट लिखता हूँ तो बिकॉज अब मैंने उसकी डाइट में इतनी सारी चीज़ें कम कर दी, अब वो कम खा रहा है, पहले भी वो चीज़ें वो नहीं खा रहा था जो मैं उसको अब लिखूंगा, बट ये है कि मैं ये ज़रूर कोशिश करता हूँ कि उसकी डाइट में कोई ना कोई सप्लीमेंट ज़रूर हो, कोई अच्छा मल्टीवाइटमिन, ओमेगाज, और कोई वाइटामिन D3, कोई प्रोबायोटिक, ऐसी चीज़ें ज़रूर हों, बिकॉज ऑब्वियसली आप उसको एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर रख रहे हो कुछ टाइम के लिए, तो उस ड्यूरेशन में उसको कोई दिक्कत ना आ जाए जो कि वाइटल है। बिकॉज अगर मैं देखूं तो फैट लॉस तो बंदा फिर भूल ही जाता है अगर उसे किसी वाइटल ऑर्गन पर असर पड़ना शुरू हो जाए, सपोज आपने उसको ज़्यादा कुछ करा दिया, उसके हार्ट पर असर पड़ता नहीं है पर चलो इसलिए है ना, उसके हार्ट पे ज़्यादा असर पड़ गया, इसलिए एनी ऑन एनी वाइटल ऑर्गन आपने कुछ उसको ऐसा डायरेटिक खिला दिया ज़्यादा, उसकी किडनीज पे असर हो गया, तो उसको कहाँ उसको फिक्र रहेगा अपने वेट लॉस का, फैट लॉस का,
तो वाइटलिटी, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको हमेशा बचा के चलना चाहिए। तो बहुत बार जैसे हम इंटरनेट पे भी पढ़ लेते हैं कि अगर बॉडी को थोड़ा वाटर रिटेंशन घटानी हो, क्योंकि वेट लॉस अब आदमी यू नो व्यक्ति आदमी औरत जो भी जिम में आ रहे हैं वो मेहनत भी कर रहे हैं, वो अपना टाइम भी दे रहे हैं, बट उनको वेट लॉस नहीं मिल पा रहा है। तो इंटरनेट पे बहुत जगह जैसे लोग फिर इंटरनेट पे पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल है ना, तो इंटरनेट पे वो पढ़ते हैं कि अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे तो आपकी बॉडी थोड़ा वाटर नहीं होल्ड करेगी या आपको थोड़ा डिहाइड्रेट करेगी, या थोड़ा इंडियन और नुस्खा पढ़ लें तो अजवाइन का पानी पी लें तो आपको आपकी बॉडी वाटर छोड़ेगी। तो ये मतलब इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एक्चुअल प्रैक्टिकली बॉडी पे? देखिए ये चीज़ तो कईयों को वैसे पता भी नहीं होती कि कॉफ़ी पीने से भी वाटर बॉडी निकालती है, अगर अनलेस अनटिल ट्रेनर ना बताए या उन्होंने नेट पे कहीं ना शर्त या वो कॉफ़ी शुगर वाली ना हो, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है, बिकॉज ब्लैक कॉफ़ी पीनी होती है, वो चीनी नहीं डालनी होती, वो बिल्कुल जो कॉफ़ी है दैट इज़ डायरेटिक, वो डायरेटिक है। और बट ये है कि आपको देखिए डायरेटिक आप किसी भी तरह का पियेंगे और वाटर इनटेक कम रखेंगे आपकी किडनी स्ट्रेस में जाएगी, आपको क्रैम्पिंग हो सकती है, इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आप अजवैन के पानी की बात कर रहे हैं, कॉफ़ी से बिल्कुल यस, कॉफ़ी इज़ अ डायरेटिक, दैट इज़ क्लियर। और जो अजवैन का पानी है वो मैंने एज सच कहीं डायरेटिक नहीं पढ़ा उसको अभी तक कि हाँ ये एक डायरेटिक है, बट हाँ उसको एज अ डायरेटिक लोग और ये पानी निकालता टाइप्स कह के यूज़ करते हैं। बट जितना मैंने पढ़ा है दैट इज़ कि आप इससे अपना 15 से 20 दिन अगर आप इस अजवैन के पानी को, ऑब्वियसली आप उस 20 से 25 ग्राम रात को अजवैन रखिए और सुबह स्ट्रेन करके उसका पानी पी लीजिए, उससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। अब मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से आप वेट लूज कर लेते हो, सो दैट इज द रीजन। ओके, सो वाटर रिटेंशन, आई डोंट नो, वाटर रिटेंशन सेम फिर मेटाबॉलिक इफेक्ट ब्लैक कॉफी का भी है, बिल्कुल बिल्कुल है, कैफीन का बिल्कुल, कैफीन भी अगर जब आप पीते हैं लोग कहते हैं नींद नहीं आ रही, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट रेट फास्ट रहता है, आपकी आंखें खुल जाती हैं, बॉडी एक्टिव हो जाती है, वो उसका एक आपके मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट है और वाटर रिटेंशन पे भी है। तो जो लोग अब जिम में आ रहे हैं और जिन्हें एकदम एक पॉइंट पे आके वो ये भी फील करते हैं कि हमारा वेट एक पॉइंट तक तो घटा था, अब घटना रुक गया है, या एक पॉइंट तक मतलब वेट लॉस के गोल्स के बारे में बात करें तो उनकी वाटर रिटेंशन की जो स्टेज है वो इंटरमीडिएट फेज में भी आ जाती है या ये स्टार्टिंग में ही रहती है, ये कैसा चलता है इसका? ये देखिए ये कभी भी आ सकती है, आपने आप अच्छे आप जिम करने आए, आपका वेट कम होना शुरू हुआ, आपकी वाटर रिटेंशन कम होगी, आप बिकॉज आप एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल में गए, ठीक है, आपने एक चीज़ फॉलो करनी शुरू करी, अब बीच में कुछ हो गया, आप किसी शादी में चले गए, आपने कोई अल्कोहल बेवरेजेस ज़्यादा पी ली, रेगुलर पार्टीज होगी, बॉडी फिर होल्ड करने लग जाएगी पानी को, बिकॉज वो आप एक लाइफस्टाइल चेंज लेके आनी पड़ेगी आपको अगर आप उस चीज़ को परमानेंट चाहते हो, तभी ये चीज़ मुश्किल है, क्योंकि फिटनेस हम कभी स्टोर करके नहीं रख सकते, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है, आपको पूरा लाइफस्टाइल और ये लाइफस्टाइल आपको बदलना पड़ेगा आप जितनी देर तक चाहते हैं, जैसे ही आप उससे ऑफ ट्रैक जाएंगे सब कुछ बॉडी बैक टू बेसिक जाना शुरू हो जाएगी, वेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो बॉडी वाटर भी होल्ड करने लग जाएगी सब। हो जो हम ये राय देते हैं कि आपने पानी ज़्यादा पीना है, ज़्यादा पानी पीना है आपने, स्पेशली अगर आप सप्लीमेंट्स पे हैं, आप वेट लॉस पे हैं, आप मसल बिल्डिंग पे हैं, आपको पानी ज़्यादा ही पीना है, उसका कारण भी ये होता है बिकॉज अगर आप ज़्यादा पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी को हमेशा एक सिग्नल जाता है कि मेरे पास बहुत पानी है तो मुझे स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बॉडी का एक अंदर बॉडी को एक हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसे एक होम्योस्टेटिस एक स्टेट होती है बॉडी की, वो उसको मेंटेन करके रखनी पड़ती है, उस वजह से भी हमें पानी ज़्यादा इसलिए बॉडी होल्ड कर लेती है जब हम पानी कम पीते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जिम में क्लाइंट आते हैं पूरी बॉटल भर के लेके आते हैं, भरी हुई वापस ले जाते हैं, या बस उसमें से एक या दो घूंट पानी। ये भी बड़ा मिथ है ना कि बहुत लोग, मैं भी बड़ी मतलब आज से मतलब मैं 15-16 साल पुरानी बात करूंगा, मैं ट्रेन करने जाता था तो मेरे जो जिम के जो उस वक्त जो ट्रेनर्स थे, हेड ट्रेनर्स थे, वो कह रहे एक कहते थे वो कि भाई आपने कसरत करते टाइम ना पानी पीना, ये मिथ क्या है? ये तो बहुत ही बहुत गलत चीज़ है, कसरत करते टाइम पानी नहीं पीना। आप आजकल के तो जिम बहुत ही बढ़िया हो गए हैं, एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग लगी होती है, इतना पसीना स्वेट नहीं आता, बट स्टिल आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है बिकॉज आप वर्कआउट कर रहे हैं, पसीना आ रहा है आपको, बॉडी वाटर निकाल रही है अंदर से, और एक तरफ आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है और आप उसको और डिहाइड्रेट कर रहे हो और पानी भी नहीं पी रहे हो, तो ये तो कहीं से भी मुझे ठीक नहीं लगता कि क्यों नहीं पीना भाई पानी। मैं पर्सनली ड्यूरिंग वर्कआउट, मेरा 1.5 घंटे का वर्कआउट होता है, मैं 2 लीटर के आसपास पानी पी लेता हूँ।
और बहुत इजीली पिया जाता है ड्यूरिंग वर्कआउट पानी। मैं इसलिए पीता हूँ कि बहुत इजीली पिया जाता है स्पेशली इन विंटर्स। आगे पीछे पानी पीना मुश्किल लगता है स्पेशली बॉटल भर के पीना एक लीटर। तो ये पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? मैंने ठंडा पानी पीना बहुत सालों से छोड़ दिया, तो मैं हमेशा नॉर्मल टैप वाटर पीता हूँ। मतलब मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ कि जैसे गाड़ी भी चलती है, क्योंकि ह्यूमन कोई भी मशीन क्रिएट करता है तो वो एक ह्यूमन एनाटॉमी पे ही चलती है। बिल्कुल, जिस तरीके से ह्यूमन ये गाड़ी चलती है, और एक चलती हुई गाड़ी में रेडिएटर में पानी भी डलता है ताकि, क्योंकि हीट जो जनरेट होती है ना उसको कूल करना होता है। बिल्कुल, तो जब हम वर्कआउट करते हैं हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, तो उसको कूल रखने के लिए हम थोड़ा पानी सिप करें, क्योंकि मैंने देखा है लोग आधी बोतल तक आ जाते हैं, तो वो भी मुझे लगता है दैट इज़ आपको पूरे जो भी आपका ड्यूरेशन है आपको पता है कि आप अगर मैंने 2 घंटे वर्कआउट करना है तो मैं उसको, अगर मैंने 2 घंटे में 2 लीटर पानी पीना है ड्यूरिंग वर्कआउट, मैं उसको पूरा एक स्ट्रेच करूँ। आप एकदम से ज़्यादा गल्प करके भी एकदम से ट्रेडमिल पर चढ़ जाओगे, कोई पेट की एक्सरसाइज करने लग जाओगे, फिर आप फिर दिक्कत होती है, थोड़ा आपको पेन महसूस हो सकता है पेट में, थोड़ा यहाँ चेस्ट एरिया में ऐसे लग सकता है जैसे कुछ अटक गया हो। होता है ऐसे क्लाइंट्स के साथ, वो ज़्यादा पी जाते हैं एकदम से पानी, फिर जंपिंग वर्कआउट करने लग जाते हैं, जंपिंग जैक्स वगैरह, उससे दिक्कत हो जाती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा आज का हमारा यू नो टॉपिक रहा वाटर रिटेंशन पे। तो लोगों को क्या घबराना चाहिए कि नहीं, उनको एग्जैक्टली अमनजोत क्या कहना चाहोगे कि वाटर का क्या खेल है ये स्टार्टिंग का वेट लॉस और स्टार्टिंग का वेट गेन? देखिए, वाटर से कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। इवन अगर आप वेट लॉस फैट लॉस करने आ रहे हो वेट लॉस करने आ रहे हो तो जो इनिशियली आपके जो फैट सेल्स होते हैं बहुत डीट होते हैं, आप बहुत मेहनत करते हो वो छोटे नहीं हो रहे होते, बिकॉज आप एक तरह से फैट कम करते हो और वो जो सेल्स होते हैं वो अपना साइज मेंटेन करने के लिए अपने अंदर पानी खींच लेते हैं, फिर आपको उस पानी को निकालना होता है, दैट इज़ फिर उनका साइज श्रिंक हो जाता है। ये एक ईजी एक आप कह लो एनालॉगी है कैसे एक फैट का सेल का साइज कम होता है, आप पतले दिखते हो। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, बस हाँ इतना क्लियर करके आइए कि आपको कोई मेडिकल आपका दिक्कत ना हो किडनीज में, या आप फूड आइटम, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं और हमेशा आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड स्टेट में है तो बॉडी कभी भी पानी नहीं छोड़ती। ठीक है, आप थोड़ा सा भी पानी पियोगे बॉडी होल्ड करेगी। आप बहुत कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें खाते रहते हैं, चावल आलू, तब भी बॉडी होल्ड करना है। अगर आपने फैट लॉस करना तो आपको ये सारी चीज़ें एलिमिनेट करनी पड़ती हैं पहले, उसके बाद बड़ा अच्छा आप फैट लॉस वेट लॉस जो भी आपका दिल करता है आप एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं बहुत जल्दी। राइट, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का जो हमारा विषय रहा है वाटर रिटेंशन पे, और जो इमीडिएट जो अर्ली डेज में फैट लॉस, जो सडन वेट गेन भी कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली फेस कर लेते हैं। तो अमनजोत ने बहुत हमें अच्छी इनसाइट्स दी आज इस विषय पे। अमनजोत, हमारे साथ आज के टॉपिक पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।